प्रधानमंत्री शेख हसीना पद से इस्तीफा देकर आनन फानन में देश छोड़कर भले ही भाग गई हूँ, लेकिन बांग्लादेश के हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। बांग्लादेश में सरकारी नौकरियों में आरक्षण सिस्टम के खिलाफ शुरू हुआ विरोध प्रदर्शन देश भर में भयंकर लूटपाट और दंगों में बदल गया है। इन दंगों में अल्पसंख्यक समुदाय, खासकर हिंदुओं को प्रदर्शनकारी निशाना बना रहे हैं। यहाँ भी गौर करने वाली बात यह है कि इस विरोध प्रदर्शन में जो हिंदू छात्र शामिल हुए, जिन्होंने शेख हसीना को हटाने के लिए प्रदर्शन में पूरा साथ दिया, आज वही हिंदू छात्र अपने परिवार की सुरक्षा को लेकर परेशान हैं और डर के साए में जीने को मजबूर हैं। एक रिपोर्ट में ये खुलासा हुआ है कि शेख हसीना के पतन में मदद करने वाले बांग्लादेश के हिंदू छात्रों को अब अपने परिवार की जान का डर है। बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों के खिलाफ बढ़ती हिंसा के मद्देनजर ढाका विश्वविद्यालय के एक छात्र ने द प्रिंट से बात करते हुए बताया कि वे अपने परिवार की सुरक्षा की चिंता को लेकर परेशान हैं और रात में सो तक नहीं पा रहे हैं। बांग्लादेश में ऐसे हालात जून में व्यापक विरोध प्रदर्शनों के साथ शुरू हुए, जिसमें कोटा प्रणाली में सुधार की मांग की गई। हिंदू समुदाय के कई छात्र विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए। हिंदू छात्र इसे निष्पक्ष लड़ाई के रूप में देख रहे थे। छात्रों ने ऐसा आंदोलन छेड़ा कि पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को इस्तीफा देना पड़ गया, लेकिन हिंदू छात्रों की ये जीत अब उन्हीं के लिए मुसीबत बन चुकी है। शेख हसीना के इस्तीफे के साथ देश में हिंसा में वृद्धि देखी गई है, खासकर हिंदू अल्पसंख्यकों के खिलाफ। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी और प्रतिबंधित बांग्लादेश जमात इस्लामी के सदस्यों पर हिंदुओं के खिलाफ हिंसा भड़काने के लिए विरोध प्रदर्शन का फायदा उठाने का आरोप लगाया गया। हिंदू घरों, मंदिरों और व्यवसायों पर हमलों की रिपोर्ट्स की सोशल मीडिया पर बाढ़ आ गई है, जिनमें से कई लोग अपनी जान को लेकर डर रहे हैं। बांग्लादेश के एक छात्र ने हाल ही में बताया कि वे काफी परेशान हैं। उन्होंने याद दिलाया कि कैसे हिंदू छात्र कोटा प्रणाली को समाप्त करने की मांग करते हुए अपने मुस्लिम भाइयों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े थे। उन्होंने कहा कि हिंदू छात्रों ने उस उद्देश्य के लिए खून बहाया है जिसने पूरे देश को एकजुट किया है, लेकिन आज बांग्लादेश में अराजकता फैल गई है। हिंदू मंदिरों पर हमले हो रहे हैं, हमारे घरों को लूटा जा रहा है, आग लगाई जा रही है, हमारी जान खतरे में है। इस स्थिति ने कई हिंदू छात्रों को देश छोड़ने पर मजबूर कर दिया है। विरोध प्रदर्शनों में उनके योगदान के बावजूद अब उन्हें इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। छात्रों ने बताया कि कैसे उन्हें और उनके जैसे अन्य लोगों को अपने जीवन और अपने परिवारों की सुरक्षा के लिए गुहार लगाने के लिए छोड़ दिया गया, क्योंकि इस्लामी भीड़ ने अपना हिंसक अभियान जारी रखा है। छात्रों ने साझा किया कि मेरे मुस्लिम दोस्त मंदिरों और हिंदू घरों के बाहर पहरा दे रहे हैं ताकि भीड़ तोड़फोड़ और आगजनी ना कर सके। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर नेक इरादे वाले मुसलमानों की अपीलें कुछ उम्मीदें जगाती हैं। खैर, बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार कोई नई बात नहीं है। 1951 में बांग्लादेश की आबादी में हिंदुओं की हिस्सेदारी 22% थी, जो अब घटकर मात्र 8% रह गई है। हिंदू अमेरिकन फाउंडेशन की एक रिपोर्ट के अनुसार 1964 और 2013 के बीच 1 करोड़ से ज्यादा हिंदू धार्मिक प्रताड़ना के कारण बांग्लादेश छोड़कर भाग गए।